तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को सबसे पहली चीज ये बताना चाहता हूं, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो आपको ये चीज करके क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपना, अगर आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर चैनल दिखाऊं, अपना इसी चैनल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ट्रैफिक सोर्स की बात करें कहाँ से मेरा ट्रैफिक आ रहा है, तो उसमें मेरा सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक आ रहा है 54.9% वो यूट्यूब सर्च के थ्रू आ रहा है। यूट्यूब सर्च के थ्रू मतलब कीवर्ड रिसर्च के थ्रू आ रहा है। कीवर्ड रिसर्च करी मैंने, अच्छे से इंप्लीमेंट किया सब कुछ, उसके बाद मेरी वीडियो रैंक करी सर्च पर और वहाँ से मेरे को सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं एक और चीज़ दिखाऊँ, मेरे बेस्ट वीडियो जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रखे 2.1 मिलियन व्यूज़ आ रखे, 25.6 मिलियन इंप्रेशंस आ रखे, उसमें भी अगर बात करें 42.3% जो ट्रैफिक आ रखा है वो YouTube सर्च के थ्रू आ रखा है। और YouTube सर्च के जो थ्रू ट्रैफिक आ रखा है वो इसलिए आ रखा है क्योंकि मैंने अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करी है और फिर मुझको उसका फ़ायदा भी मिला है, व्यूज़ मिले, सब्सक्राइबर्स मिले और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हुए मेरे चैनल को ओवरऑल। तो आपको ये चीज़ कैसे करनी है, कैसे आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, आपके फ्री तरीका क्या है, पेड तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ और उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है एट द एंड, तो वो सब आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वैसे यही वीडियो मैंने एक साल पहले भी बनाई थी 2020 में, लेकिन वो वीडियो अब आउटडेटेड हो चुकी है काफ़ी हद तक। उसमें जो चीज़ है वो इस वीडियो में भी बताऊंगा मैं और साथ ही कुछ और चीज़ें भी ऐड करूंगा जो मैंने इस एक साल के दौरान सीखा है, जो चीज़ें नए एक्सपीरियंस है मेरे वो सब इस वीडियो में शेयर करूंगा कीवर्ड रिसर्च के बारे में। तो सबसे पहले और सबसे बेसिक क्वेश्चन पर आते हैं, वो है कि कीवर्ड या फिर कीवर्ड रिसर्च होती क्या है, जिनको नहीं पता उनको पता लग जाएगा। तो कीवर्ड ये होता है जब भी सर्च इंजन पर कुछ सर्च करता है, आप मानो सर्च कर रहे हो YouTube पर, YouTube भी एक सर्च इंजन है, आपने YouTube पर सर्च करा मेक मनी ऑनलाइन, आपको पैसे कमाने, आपने YouTube पर लिखा मेक मनी ऑनलाइन, बहुत से लोग लिखते हैं, तो वो एक कीवर्ड है। अब उसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना कॉम्पिटिशन है, अब ये आपको कैसे पता चलेगा, ये कीवर्ड रिसर्च के थ्रू पता चलेगा। कीवर्ड रिसर्च के अंदर आपको ये चीज़ भी पता चलेगी कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने लोग सर्च कर रहे हैं चीज़ को यूट्यूब पर, और साथ ही साथ इसके अलावा आपके पास और क्या क्या ऑप्शन है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये सारे कीवर्ड जो जो लोग सर्च करते हैं ये आपको कीवर्ड रिसर्च करने के दौरान पता लगेगा। और उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे आपको कौन सा कीवर्ड चूज करना है अपनी वीडियो के लिए, और वही आप अपने टाइटल और उसको अपने डिस्क्रिप्शन टैग में आपको आगे वीडियो बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ डालना है, जिससे आपकी वीडियो रैंक करेगी और आपको व्यूज मिलेंगे। तो ठीक है, ये होता है कीवर्ड रिसर्च, ये होता है कीवर्ड। अब यहां पर दूसरी चीज हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड, कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं ये भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, तभी आप लोग अच्छे तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर पाओगे। सबसे पहले आते हैं हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है, जहां पर वर्ड्स कम होते हैं, सर्चेज ज्यादा होती है और वीडियोस की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होगी, वहां पर बहुत ज्यादा लोगों ने उस कीवर्ड पर वीडियो बना रखी होगी, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहां पर सिंपल सा एग्जाम्पल है इसका, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर कैसे बढ़ाए, ठीक है, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर कैसे बढ़ाए, ये कीवर्ड है। अब यहाँ पर राइट साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा कंपटीशन मीडियम है, हाई भी नहीं है और वॉल्यूम भी थोड़ा ज़्यादा है, 63 का वॉल्यूम है। वीडियोज़ यहाँ पर देखते हो, जितनी वीडियो है ज़्यादातर वीडियोज़ के ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, जितनी वीडियो उनके चैनल के ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, इस कीवर्ड को बहुत ज़्यादा लोगों ने टारगेट कर रखा होगा। तो यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हो अगर आपका एक मीडियम साइज चैनल है, मतलब आपके ठीक ठाक व्यूज़ आ जाते हैं, ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स है, तो आप इस कीवर्ड पर टारगेट कर सकते हो, आपकी वीडियो यहाँ पर रैंक कर जाएगी। और अगर आपका एक छोटा चैनल है तो आपको क्या करना चाहिए, अब इंस्टाग्राम पर फॉलोअर कैसे बढ़ाए स्पेस दिया मैंने यहाँ पर, और ये मुझे सजेस्ट कर रहा है और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंस्टाग्राम पर फॉलोअर कैसे बढ़ाए, और आपको कैसे पता चलेगा कॉम्पिटिशन आई है, आप VidIQ एक एप्लीकेशन है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, उसको इंस्टॉल कर लेना, आपको राइट साइड में दिख जाएगा किसमें किसको किस कीवर्ड पर कॉम्पिटिशन हाई है, किसमें लो है। 2021 करता हूँ, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसमें कंपटीशन लो है, कम लोगों ने इसको टारगेट कर रखा है 2021 में, कम लोगों ने इसको टारगेट कर रखा है, इसको लिख रखा है अपने टाइटल में, अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने टैग्स में, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो 2021 को लेकर, इस कीवर्ड में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ कर सकते हो, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, इस पर टारगेट करोगे तो आपकी वीडियो रैंक कर जाएगी, यहाँ पर भले ही वॉल्यूम कम होगा, कम लोग सर्च करते होंगे, लेकिन जितने लोग सर्च करते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करेंगे, बस आपको वीडियो अच्छी बनानी है, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके व्यूज़ आसमान छू। तो अब सारी बातें हो चुकी है, लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है ये सब आप लोगों को पता चल गया। अब बात करते हैं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करी जाती है। सबसे पहले फ्री तरीके के ऊपर आएंगे, सबसे बेस्ट तरीका जो आसान तरीका कोई भी यूज़ कर सकता है, स्मार्टफोन से, लैपटॉप से, किसी से भी यूज़ करो, फ्री तरीका कौन सा है कीवर्ड रिसर्च करने का। उसके बाद सेकंड बात करेंगे पेड तरीका, जो मैं यूज़ करता हूँ और बेस्ट लगता है मुझे वो तरीका, उसके ऊपर भी आएंगे। अब जैसे मुझे यहाँ पर ये चीज़ पता है कि मुझे जो वीडियो बनानी है चैनल पर वो यूट्यूब से रिलेटेड ही बनानी है, तो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आकर ही YouTube.com पर आकर ऊपर सर्च बार पर सर्च करूंगा, YouTube लिखूंगा, YouTube के बाद मुझे काफ़ी सारे सजेशन आएंगे, इसको बोला जाता है YouTube ऑटो सजेस्ट। ये बहुत अच्छा तरीका है और फ्री तरीका है, यहाँ पर YouTube आपको खुद बताएगा कि लोग क्या क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, वो खुद आपको रेकमेंड करेगा। यहाँ पर से मैं चूज कर सकता हूँ YouTube चैनल कैसे बनाएं, YouTube वर्सेस TikTok, YouTube वीडियो, YouTube से पैसे कैसे कमाएं, YouTube वीडियो डाउनलोड, ये सब लोग सर्च कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकता हूं। अब मुझे और डीप घुसना है, इसमें समझना है और कौन कौन से ऑप्शन है मेरे पास। मैंने नीचे गया, YouTube चैनल कैसे बनाएं, स्पेस मारा,
इसके बाद YouTube चैनल कैसे बनाया 2021, YouTube चैनल मोबाइल से कैसे बनाया, और भी बहुत सारे कीवर्ड आ रहे हैं। इन सब कीवर्ड में से आप कौन सा कीवर्ड चूज करोगे उस पर क्लिक करो, और उस पर क्लिक करने के बाद राइट साइड में वीडियो आईक्यू की हेल्प से देख सकते हो कि कंपटीशन कितना है। नहीं यूज़ करोगे वीडियो आईक्यू तो भी आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा, जितना लंबा कीवर्ड होगा उतने कम चांसेस हैं कि उस पर ज़्यादा ट्रैफिक आता होगा, वो हाई कॉम्पिटिशन वाला कीवर्ड होगा। तो लंबे कीवर्ड पर टारगेट करो अगर आपका छोटा चैनल है, लॉन्ग टेल कीवर्ड पर टारगेट करो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटी सी टिप है, अगर आप लोगों को एक वर्ड लिखना है यहाँ पे जिस पर आपको वीडियो बनानी है, यूट्यूब स्पेस, उसके बाद मैंने मनी लिख दिया, नहीं 2021 लिख दिया, 2021। अब मैं क्या करूँगा, इसके बीच में यहाँ पर अंडरस्कोर लगा दूंगा और स्पेस मार दूंगा। अब मुझे इसके बीच में जितने सजेशन दे सकता है यूट्यूब उसने वो भी दे दिया, यूट्यूब एल्गोरिथम 2021, यूट्यूब रिवाइंड 2021, यूट्यूब चैनल कैसे बनाए। तो ये भी एक अच्छा तरीका है बहुत, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको किसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्या कीवर्ड होना चाहिए, क्या होगा, आपको क्लियर नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, बीच में अंडरस्कोर लगा दो और यूट्यूब आपको खुद सजेस्ट कर देगा बीच में आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब यूट्यूब बताएगा आपको कि आप इसको भी यूज़ कर सकते। तो ये हो गया हमारा फ्री तरीका YouTube ऑटो सजेस्ट यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च करने का। इसके लिए आप वीडियो की यूज़ कर सकते हो फ्री वाला, उसमें आपको शो कर देगा कंपटीशन कितना हाई है, वॉल्यूम कितना हाई है, एक 0 to 100 के बीच में शो कर देगा, उसको यूज़ कर लेना और YouTube ऑटो सजेस्ट से आपको पता चल जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, कौन सा कीवर्ड बेस्ट है। अब बात करते हैं पेड तरीके के ऊपर जो मैं यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो, ये एक बेस्ट तरीका है। मैं जाऊँगा VidIQ डैशबोर्ड पर जाऊंगा, VidIQ यूज़ कर सकते हो, चाहे तो ट्यूबबडी यूज़ करो, ये एक एक्सटेंशन है VidIQ, इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट आते हैं। कीवर्ड्स पर जाऊंगा मैं, यहाँ पर कीवर्ड्स पर आने के बाद यहाँ पर मुझे सर्च बार मिल रहा है, यहाँ पर मैं कुछ भी कीवर्ड लिखूंगा, यूट्यूब मैं अपने लिए लिखता हूँ, यूट्यूब मनी लिख देते हैं ऐसी, ठीक है, YouTube मनी लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब ये मुझे बहुत सारे कीवर्ड दिखाएगा और ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ भी बताएगा कि स्कोर क्या है इसका, कितना रिलेटेड है जो मैंने लिखा YouTube मनी से, और सर्च वॉल्यूम क्या है, कंपटीशन कितना है, और ओवरऑल स्कोर ये कितने दे रहा है उसको आउट ऑफ 100, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ हाउ टू मेक मनी ऑन YouTube, 191,643 लोग सर्च कर रहे हैं और मैं इस पर टारगेट करूँगा, मेरी वीडियो रैंक कर गई, तो सोचो मुझे कितने व्यूज़ मिल सकते हैं इससे। लेकिन कॉम्पिटिशन भी वहीं हाई है क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, तो कंपटीशन भी हाई होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसको ऑलरेडी टारगेट कर रखा है, उस पर वीडियो बना रखी है, इस पर भी कंपटीशन हाई है, सर्च वॉल्यूम भी हाई है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी कीवर्ड देखते हैं जिनका कंपटीशन कम है और उस पर ट्रैफिक भी थोड़ा ठीक ठाक है। हाउ मच YouTube पेड मी, इसमें मीडियम ट्रैफिक है, नहीं सॉरी मीडियम कॉम्पिटिशन है, ट्रैफिक 90,000 का ट्रैफिक है। और उसके बाद बात करें अगर इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, अच्छा YouTube ही है यार वो, तो क्या पागल बनती है। ये सिर्फ मैंने YouTube के बारे में लिखा है, अगर आप लाइफस्टाइल का चैनल है आपका कुछ भी लिखो आपको बहुत सारे कीवर्ड देखने को मिल जाएंगे। बेस्ट शूज़, ठीक है। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, बैक टू स्कूल स्निकर्स, लो कंपटीशन है, सर्च वॉल्यूम भी लो है, लेकिन टारगेट करोगे तो रैंक कर जाओगे। बेस्ट शूज़ फॉर मैन मीडियम है 20,000, और ऐसे बहुत से हैं, आप जिस बारे में सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर बात करें मेरी इस वीडियो के बारे में जिसमें 2 मिलियन प्लस व्यूज़ है, इसमें बात करें मेरा जैसे मेन कीवर्ड ये है हाउ टू प्रमोट यूट्यूब वीडियोज़, मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पर सर्च करा तो इस पे ऑलरेडी सर्चेज आ रहे हैं जो 20,000 के आ रहे हैं। उसके अलावा अगर लोग सर्च करते हैं प्रमोट यूट्यूब वीडियोस तो उसमें भी रैंक कर रखा होगा, प्रमोट यूट्यूब वीडियोस विद गूगल एडवर्ड उसमें भी कर रहा है, तो ऐसे अलग अलग वो बन के अलग अलग वर्ड्स ज्वाइन होकर वहाँ पर भी मेरी वीडियो रैंक कर रही होगी, उन तक भी मेरी वीडियो पहुँच जाएगी और वहाँ से भी व्यूज़ कमा के लाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको सिंपल सी चीज़ बताऊँ, मैंने वीडियो इंस्टॉल कर रखा है तो मेरे को यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं काफ़ी सारे, मेरी वीडियो कहाँ कहाँ पर रैंक कर रही है और कौन से नंबर पर रैंक कर रही है, मैंने जितने टैग्स डाल रखे हाउ टू प्रमोट यूट्यूब वीडियोज विद गूगल एडवर्ड इस पर नंबर 1 पर रैंक कर रही है, हाउ टू प्रमोट यूट्यूब वीडियोज विद एड्स इस पर भी नंबर 1 पर रैंक कर रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो किस किस पर नंबर 1 पर रैंक कर रही है, जितने डाले मैंने सब पर ही नंबर 1 पर रैंक कर रही है, ठीक है। तो ये एक फायदा है ये चीज़ कर आप लोगों को क्या करना है, आपने यहाँ से उठाया हाउ टू प्रमोट यूट्यूब वीडियो, मैंने ये कॉपी करा यहाँ से, मेरा कीवर्ड ये है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको टाइटल में डाल दिया अपने, इसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हाउ टू प्रमोट यूट्यूब वीडियोज, ये रहा मेरा कीवर्ड, और आगे उसके विद गूगल एडवर्ड्स भी अगर कोई सर्च करता है इसको भी लगाकर अपने सर्च में जो भी कीवर्ड डालेगा वो सर्च बार में यूट्यूब के वहाँ पर भी मेरी वीडियोज़ को शो होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद मैंने और इसको इंक्लूड कर दिया हाउ टू प्रमोट यूट्यूब वीडियोज़ अपनी डिस्क्रिप्शन में, एक दो जगह और डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया इसको अच्छे से टारगेट करने के लिए अपने, इसके बाद टैग्स में भी डाल दिया हाउ टू प्रमोट यूट्यूब वीडियोज़ विद गूगल एडवर्ड्स, ऐसे 2-3 जगह मैंने डाल दिया इस कीवर्ड को, और उसके बाद मेरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से रैंक कर रही है। तो ये मेरा पूरा तरीका है कीवर्ड रिसर्च करने का और उसको कैसे यूज़ करना है फिर मुझे अपनी वीडियो के अंदर। ऐसी मैंने बहुत सी वीडियो पे अपने यूज़ करा है कीवर्ड रिसर्च और मुझको सबसे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिला है हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल्स वाली वीडियो, इस पर भी कीवर्ड से अच्छे से करी है मैंने और अच्छे से ट्रैफिक भी आ रहा होगा आई होप कीवर्ड उसके थ्रू। एनालिटिक्स में जाऊँगा अगर मैं, अब यहाँ पर अगर बात करें एनालिटिक्स में, रीच में चलते हैं, रीच में जाने के कीवर्ड सर्च के अंदर देखिए 72.8% जो ट्रैफिक आ रहा है वो हमारा आ रहा है ट्रैफिक सोर्स
YouTube सर्च के थ्रू, मतलब कीवर्ड रिसर्च के थ्रू। ऐसे अलग अलग कीवर्ड पर मेरी वीडियो रैंक कर रही है और मुझको वहाँ से व्यूज, सब्सक्राइबर्स और अर्निंग हो रही है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है कीवर्ड रिसर्च करने का। और कीवर्ड क्या होता है, कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं, फ्री तरीका पेड तरीका दोनों आप लोगों ने शेयर कर दिए। मैं पर्सनली वीडियो की यूज करता हूँ, आप लोग ट्यूबबडी भी यूज कर सकते हो, और कीवर्ड tool.io आता है, उसको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर कर रहे हो तो उसको भी कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक तरीके की वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं खुद यूज करता हूँ, इसलिए आप लोगों को भी सजेस्ट कर रहा हूँ। वीडियो बहुत ही अच्छा टूल है, इसको यूज कर सकते हो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। एग्जैक्ट आपको नंबर्स पता चल जाएंगे, सर्च वॉल्यूम क्या आ रहा है, कॉम्पिटिशन क्या है, और भी काफी सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर दें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब भी करना, अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करना, ताकि आपके ज्यादा व्यूज आए, सब्सक्राइबर्स और आपके चैनल की तरक्की हो। अगली वीडियो में मिलेंगे, फिर तब तक के लिए।